नमस्कार, आप देख रहे हैं आप राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले अजमेर की बात करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 806वां उर्स पूरे परवान पर है। आज यहां पर राज्यपाल कल्याण सिंह की तरफ से चादर पेश की जाएगी। राजभवन के पीआरओ डॉक्टर लोकेश चंद्र शर्मा यहां पर ख्वाजा साहब के दर पर चादर लेकर पहुंचे हैं। राज्यपाल के परिसहाय जय यादव भी मौजूद हैं। राज्यपाल का संदेश भी यहां पर पढ़ के सुनाया जाएगा। चादर पेश कर प्रदेश में अमन और चैन की दुआ की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजमेर की ये तस्वीरें। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स परवान पर है, 806वां उर्स। आज राज्यपाल की ओर से यहां पर चादर पेश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में राज्यपाल का संदेश भी वहां पर पढ़कर सुनाया जाएगा। तो उर्स परवान पर है, लगातार चादर पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज राज्यपाल की तरफ से यहां पर चादर पहुंच रही है। यहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल के परिसहाय जय यादव भी मौजूद रहने वाले हैं इस दौरान, और मौजूद हैं राजभवन के पीआरओ डॉक्टर लोकेश चंद्र शर्मा। ये चादर लेकर अजमेर पहुंचे हैं ख्वाजा के दर में सर नवाने के लिए। तस्वीरें सीधी आप अजमेर से देख पा रहे हैं। चलिए, सहयोगी रईस वहां पर मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रईस, उर्स परवान पर है, आज राज्यपाल की तरफ से भी यहां पर चादर पेश की जा रही है। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आज से जो है 7 दिन तक और जारी रहेगा, और इसी दरमियान कई चादरें भी गरीब नवाज की दरगाह में आएंगी। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी की चादर जो है वो लोकेश शर्मा जी और जय जी लेकर पहुंचे हैं ख्वाजा के आस्थाने में, उन्होंने पेश करी है और उनका संदेश भी पढ़कर सुनाया गया है। ये संदेश के अंदर कहा गया, प्रदेश में खुशहाली और अमन की जो दुआ की गई है, और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक जो है पूरे देशवासियों को दिया गया है। हम अगर बात करें यहाँ के जायरीन की, तो अभी आप देख सकते हैं, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि ख्वाजा के दरबार में यहाँ पर जो जायरीन है उनकी आवक तेज हो गई है, और इसी के साथ यहाँ पर जो SDI यानी सुन्नी दावत इस्लामी के जो नौजवान हैं उन्होंने यह व्यवस्था भी संभाल रखी है। दरगाह परिसर के अंदर तमाम जो जायरीन आने जाने वाले हैं उनको एक तरफ से जाने दिया जा रहा है और एक तरफ से आने दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी जो व्यवस्था है इनकी तरफ से भी की गई है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जुमे की नमाज के लिए अगले दिन जो है देश भर से काफी संख्या के अंदर जायरीन अजमेर शरीफ आएंगे और ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देंगे। अब चादरों के सिलसिले की अगर हम बात करें, तो अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके अलावा कुछ और चादरें जो है वो आना अभी यहाँ दरगाह में बाकी है। आज जो है हरियाणा के जी हरियाणा के जो पूर्व CM है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी भी चादर आज जो है दरबार में पेश की जानी है, और इसी के साथ साथ कई और चादरें जो है वो ख्वाजा के दरबार में पेश की जाती रहेगी, क्योंकि अभी 7 दिन तक उर्स और चलेगा, इसलिए भारी भीड़ और भारी जायरीन जो है यहाँ पर आने की बड़ी संभावना बनी हुई है। पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सबने अपने अपनी जानिब से यहाँ पे जायरीन की सहूलियत के लिए जो है व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे दरगाह कमेटी जो है उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की, और इसके अलावा ठहरने की, पानी की, और इंतजामों के लिए यदि हम बात करें तो इन सुविधाओं के लिए, इंतजामों के लिए लंबे समय से तैयारियां की जानी थी, लेकिन वाकई यदि वहां पर ग्राउंड रियलिटी हम जानना चाहें तो कितने इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर इंतजाम की अगर हम बात करें तो गरीब नवाज की दरगाह में तो खुद ब खुद इंतजाम हो जाते हैं, प्रशासन भले ही अपनी तरफ से इंतजाम करता हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उर्स के अंदर जो है आधे इंतजाम होते हैं, पूरे अच्छे तरीके से मुकम्मल जो कहा जाता है, जो कागजों में लिखे जाते हैं, उस तरीके से इंतजाम दरगाह में नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि सहूलियत जो है जारीन को हो जाती है कि ठीक है, जारीन अपनी इसी सहूलियतों के अंदर और इसी इंतजाम के तहत जो है हाजिरी देकर वापसी अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि जिस तरीके से वो अपने कागजों में, दस्तावेजों में दिखाते हैं, उससे भी बेहतरीन जो है यहाँ पर सुविधा है जो जारीन के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसी दिखने को नहीं मिलती है। हाँ, खैर यह है कि सुविधा जो है वो की जरूर जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। मुझे खुशी है कि सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 806वां सालाना उर्स अजमेर में मनाया जा रहा है। ख्वाजा साहब ने इंसानी मोहब्बत का पैगाम दिया है। गरीबी और यतीमों की मदद करने के कारण ही उन्हें गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है। सालाना उर्स के मुबारक मौके पर मैं
प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं। मैं प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए दुआ करता हूं। जियारत के लिए यहां आ रहे जायरीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद।